सेवी संगठन ने पौधारोपण के साथ ही कोरोना योद्धा और नगर पालिका के कर्मचारियों का सम्मान किया। इस मौके पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और CMO पवन अवस्थी, साथ ही में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, महामंत्री मनोज हाडा और युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य KP पवार सहित जनप्रतिनिधिगण और समाज सेवी मौजूद रहे। जरूरी नहीं पड़ी कि खबर लगाना है, वो उससे पहले ही हल होगी, चाहे कलेक्टर साहब हों, SP साहब हों, CO साहब हों, कोई भी हों, मतलब काम करने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मक जितने भी काम हैं उनमें हम हमेशा सहयोगी बने हैं, बने रहेंगे आगे भी, जैसा भी लगे। तो पूरे विश्व में अभी तक कोरोना का जो संकट है वो टला नहीं है और इसकी तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और हमें सबक लेना होगा अपने दूसरी लहर से, जिस प्रकार से वो फैली थी उस प्रकार की संभावना फिर से निर्मित हो सकती है यदि हम पर्याप्त सावधानियां नहीं रखेंगे। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी कार्य आप करें उसमें बस ये ध्यान रखें कि अपने आप को और अपने परिवार को इस तरीके से बचा करके चलें तीसरी लहर में आपका बचाव हो सके और आप उसकी चपेट में ना आए, आप भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार भी सुरक्षित रहे। आप लोगों की मेहनत से ये डैम भी बना और उसके बाद आप लोगों ने इतना मेहनत किया और इतनी हरियाली है कि जब कोई भोपाल से मुझसे मिलने आता है या कोई बाहर स्टेट से मेरे दोस्त वगैरह आते हैं तो वो राजगढ़ की जो पिक्चर लेके आते हैं और जब यहाँ से आते हुए उसकी हरियाली देखते हैं, पानी देखते हैं, डैम को देखते हैं, मंदिर देखते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है, उनको लगता है कि बड़ी सुंदर जगह है और शहर की भीड़ भाड़ से यहाँ पर बहुत अच्छा फीलिंग आती है। तो ये आपने जो वृक्षारोपण का अभियान जारी रखा है इसको जारी रखेंगे, आप माननीय CM साहब ने भी इसमें बड़ा लोगों को प्रोत्साहित करा है, तो इसको आप लोग जारी रखेंगे तो मुझे लगता है राजगढ़ का चेहरा जल्दी बदलेगा और यह अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होंगे, जैसे किशनगढ़ कोठी हो गया या अदरवाइज अपना पुराना सर्किट हाउस भी हो गया। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाज़िम अल्ताफ की रिपोर्ट।